कल जो क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें था कि दो पॉइंट चार्जेस थे और वहां पर एक पॉइंट ढूंढना था जहां पर क्यू चार्ज को रखने के बाद वो फोर जीरो एक्सपीरियंस करेगा। अभी क्या कहा है, अभी दो पॉइंट चार्जेस और अब आपको एक पॉइंट ढूंढना है। ये चार्जेस है 8 सेंटीमीटर अपार्ट, इनके बीच में डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो। अब देखो, फोर्स रहता है क्यू इन टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी तो ऑब्वियसली फोर्स भी जीरो रहेगा। सो बेसिकली आपको सेम ही पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, सेम पॉइंट ही फाइंड आउट करना है। इसके पहले भी जैसे फाइंड आउट करते थे वही काम यहाँ पर करना पड़ेगा। अब देखो, कल हमने देखा था जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा वहां से पॉइंट दूर रहना चाहिए, ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा हमें। सो 16 से दूर और ये अपोजिट है, तो इनके बाहर वाले, इनके बाहर मतलब इनके बीच पे चार्ज रखकर काम नहीं चलेगा, हमें चार्ज बाहर रखना पड़ेगा। तो देखो, वी विल प्लेस चार्ज, 16 से दूर रखना है मतलब 9 के पास, इनसाइड या आउटसाइड, पोलैरिटी अपोजिट है तो ये आउटसाइड रहेगा। यू विल इजिली अंडरस्टैंड कि ये पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये निगेटिव अट्रैक्ट करने वाला है, एंड ये पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने वाला है। सो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्जेस E16 एंड दिस इज बिकॉज ऑफ E9 या E-9। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आने वाली है। सो इसको एक डिस्टेंस पर ले लूं। Therefore, E of -9 equal to E of 16 equal in magnitude and opposite in direction. ठीक है। So, देखो ये आने वाला है 1/4 pi epsilon naught, कौन से चार्ज के कारण है, -9 microcoulomb। तो -9 × 10⁻⁶, माइनस लिखने की जरूरत है क्या, अभी नहीं, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर की है। डिवाइडेड बाय x² इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught 16 microcoulomb डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एट, ये सेंटीमीटर में रहेगा, इनटू 10 सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते, ठीक है। तो देखो 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught चले गए, 10⁻⁹, 10⁻⁶, -6 चले गए, रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा 3/x इक्वल टू 4/x+8। So that is 4x equal to 3x plus 24, x की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है, ठीक है। जाए आगे यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या कहता है। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास
एंड इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर. Find the ratio of Q by M so that they do not experience any charge, any force. देखो क्या है हमारे पास. We have two particles. उनको point charge ही consider करेंगे. कितना डिस्टेंस है इनके बीच का? इनके बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर. मास कितना है? एम. चार्ज कितना है? क्यू. आइदर प्लस क्यू या माइनस क्यू. अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा रहेगा लाइक चार्जेस? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव एंड ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव. अब इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स शुड बी बैलेंस इक्वल. मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम दिखा रहे हैं तो दैट शुड बी अट्रैक्टिव. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी रिपल्सिव. No force that is Fg का मैग्नीट्यूड एंड Ap का मैग्नीट्यूड इक्वल रहना चाहिए. दिख लो G, ये फोर्स कितना रहेगा? सेम मास है तो M1 into M2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना रहेगा? K, चार्ज Q into Q अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर. सो R स्क्वायर वैसे ही उड़ गए. ये बन जाएगा Q by M, निकालना है ना. Q स्क्वायर अपॉन एम स्क्वेयर इक्वल टू जी बाय के. रूट लेना पड़ेगा. देयरफॉर क्यू बाय एम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और मास नीचे है के 9 इंटू 10 टू द पावर 9. So, देखो बरा कितना आता है ये.
10 to the power 9 ऊपर गए -9, 10 to the power -20 रूट के बाहर आ गए तो 10 to the power 20 हो जाएंगे, सॉरी -10 हो जाएंगे। अब 6.67 ये 2 और 3 के बीच में दिख रहा है, और क्या ये 26 के आसपास आएगा, 2.6 का स्क्वायर के आसपास आएगा? सो दिस इज 2.6/3, दैट इज लगभग 9/10 या 0.9 × 10⁻¹¹. क्या सही है क्या? लगभग उसके आसपास ये वैल्यू आ जाएगी, 9 × 10⁻¹¹ या उस प्रकार से, ठीक है। चलो चार्ज Q = 1 microcoulomb इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट वन कॉमा टू कॉमा फोर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a point 0, −4, −3। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक चार्ज दिया है विच इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट वन माइक्रोकुलम चार्ज को आपने लिखा है 1, 2, 3 को, और एक दूसरा पॉइंट दिया है 0, −4, −3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको बेसिकली ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है हमारी 1/4πε₀, जो कोई भी चार्ज है जिस पॉइंट की निकालनी है वहां का डिस्टेंस, इनटू यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है। सो क्या ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? तो देखो ये आर वेक्टर आता है हमारा ऐसे केस में, −1i⁻±4−2j⁻+3−3k⁻। ये आ जाएगा r⁻−i⁻−6j⁻ जीरो के गैप। ओके सॉरी, हाँ दिस इज 1, 2, 4 है, तो ये 3 − 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा −k⁻। तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आने वाला है। देखो इसको आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, r⁻/r, तो ये r³ हो जाएगा, या इस प्रकार से यूनिट वेक्टर निकाल कर सेपरेटली भी देख सकते हो।
तो देखो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार विल बी अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वेयर, टू बी प्रिसाइज माइनस वन का स्क्वेयर प्लस माइनस सिक्स का स्क्वेयर प्लस माइनस वन का स्क्वेयर, दिस इज अंडर रूट 38 आता है, ठीक है। सो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर कैप, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, आर कैप के लिए मैं लिख सकता हूं आर बार माइनस आई माइनस सिक्स जे माइनस के डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड अंडर रूट 38 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वेयर दैट इज 38, ठीक है। सो ये आंसर आने वाला है नाइन अपॉन 38 इंटू रूट 38 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू माइनस आई माइनस सिक्स जे माइनस के, ये डायरेक्शन रहने वाली है क्या? ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे पोजीशन दी है तो इन पोजीशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है, एक मिनट लास्ट में सर हो गया। ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 0.2 मीटर ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। ठीक है, फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप इफ चार्ज इज कंजर्व्ड। पढ़ लो क्वेश्चन को, क्या है हमारे पास 64 छोटे ड्रॉप है, रेडियस कितनी है उनकी 0.2 मीटर और हर पे चार्ज कितना है 5 माइक्रो कूलम, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू इक्वल टू 64 इंटू 5 माइक्रो कूलम दैट इज 320 माइक्रो कूलम, सही है। हाँ सर बिल्कुल सही है।
अब ये चार्ज कंजर्व हुआ है, अब ये चार्ज किस पर है, तो ये 64 ड्रॉप्स मिलकर एक ही बड़ा ड्रॉप बना है। तो देखो इफ न्यू ड्रॉप इज फॉर बाय कंबाइन 64 स्मॉल ड्रॉप्स देन 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप। तो ये आ जाएगा 64 इंटू 4/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी है 0.2 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। पाई पाई उड़ गए, 4/3 चले गए, यू विल गेट आर इक्वल टू, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, 64 का क्यूब रूट आने वाला है 4 इंटू 0.2 दैट इज 0.8 मीटर। और अब आप कहोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा विल बी, कितना चार्ज है टोटल कैपिटल क्यू अपॉन सरफेस एरिया 4πr², कितना आने वाला ये 320 × 10⁻⁶ 4, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 0.8 × 0.8। क्या मैं इनको 8 × 10⁻¹ का स्क्वायर लिखूं? That is 64 × 10⁻²। ठीक है, क्यू कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ये 64 5 से आता है। ठीक है, 5/4 इज 1.25, तो ये लगभग 10⁻², ऊपर चले गए 10⁻⁴ और 5/12.48 × 10⁻⁴। सो ये देखो, दिस इज लगभग 12.5, सो 5 2.5 जा, so 1/2.5 that is 0.4। ठीक है, so 0.4 × 10⁻⁴ that is 4 × 10⁻⁵ इसके आसपास आंसर आना चाहिए। क्या सही है? अरे हाँ या ना कुछ बोल दो। यस सर। हाँ सर, कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है कि छोटे ड्रॉप मिलकर बड़े ड्रॉप बन रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम से रेडियस निकालनी होती है। और अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो ये रिलेशन है एक्चुअली रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एन इंटू आर। ठीक है, आर इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एन विच इज 4 इंटू आर 0.2। ठीक है, चलो ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय YY + 4J
माइनस 4k इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। कैलक्युलेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स टू दिस फील्ड ओवर एन एरिया ऑफ 2i minus j into 10 to the power minus 2 meter square। क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कुछ रिलेशन पता है क्या फ्लक्स का? फाइ इक्वल टू E डॉट ds, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास पता है, दिस इज 5i प्लस 4j माइनस 4k इंटू 10 to the power 5 इंटू डॉट प्रोडक्ट है, हाँ, 2i माइनस j इंटू 10 to the power minus 2। देखो इनको तो आप डायरेक्टली वैसे ही लिख सकते हो, इंटू 10 to the power 3, 5i 2i, सो दिस इज 5 into 2 प्लस 4 into minus 1 प्लस माइनस 4 into 0 इंटू 10 to the power 3। 5 2 10 माइनस 4 इंटू 10 to the power 3, सो ये आने वाला है 6 into 10 to the power 3। यूनिट क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वेयर। सो न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का याद कर लो, ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। चलो और आगे जाते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। किस प्रकार की सिस्टम है? कितना चार्ज है ये? दिस इज प्लस क्यू माइनस 2q एंड प्लस क्यू, कितना चार्ज दिया है? ये डिस्टेंस है ए ए। So, देखो क्या इसी सिस्टम को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या?
कितना डिस्टेंस है ये ए ए, यहाँ का चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ का चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ का चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ का चार्ज है प्लस क्यू। यहाँ की इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ के भी रहेगी निगेटिव टू पॉजिटिव। दिस बीइंग वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। बट अब दे आर मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर, सो रिजल्टेंट आ जाएगा पी बार इक्वल टू पी बार प्लस पी बार, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये आने वाला है मॉड पी बार इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, सो मॉड पी बार इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ पी, ठीक है। कितनी आनी चाहिए, रूट टू टाइम्स ऑफ पी, एंड डायरेक्शन, सो डायरेक्शन लिखोगे आप थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, इसमें के अगर एक डायरेक्शन को वाई कंसिडर करते हो, ये अगर एक डायरेक्शन है ये वाई है, तो ये एक्चुअली ऐसा बन जाएगा पी आई प्लस पी जे, सो टैन इनवर्स ऑफ पी बाय पी दैट इज टैन इनवर्स ऑफ वन दैट इज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर आप वैसे भी अगर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, सो ये पी है, ये दूसरी पी है, रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस, लगे तो इनको पी वन पी टू कहो, मैग्नीट्यूड सेम है उनका, आया क्या ध्यान में? सो इसका मैग्नीट्यूड आने वाला है अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ पी दैट इज क्यू इन टू ए, एंड एंगल रहेगा 45 डिग्री, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्जेस 6×10⁻³ कूलम एंड −6×10⁻³ कूलम आर प्लेस्ड at an angle of 30 degree with respect to uniform electric field and experiencing a torque of 6√3 Newton meter. Calculate the magnitude of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लो।
देखो क्या कहा है ना, वी हैव अ डायपोल, दिस इज प्लस क्यू, ये माइनस क्यू है, और इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये डायपोल की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इनके बीच का एंगल है अभी 30 डिग्री। इनके बीच का डिस्टेंस है, चार्ज पता है और डिस्टेंस भी पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको कहा है टॉर्क है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लो। हमें पता है टॉर्क इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार, क्या सही है क्या? दैट इज टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है, इनटू एन कैप। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है, स्क्रीन से बाहर आने वाली। सो यह आ जाएगा 6√3, पी की वैल्यू रहेगी 1 ऑफ द चार्ज विच इज 6 × 10⁻³ इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 10 × 10⁻², इंटू ई इंटू साइन 30, ठीक है। सो ई की वैल्यू आ जाएगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गए, 2 × 6√3 डिवाइडेड बाय 10 × 10⁻², 10 × 10⁻¹, 10 × 10⁻³, 10 × 10⁻⁴, 6 × 10⁻⁴, 6 ने 6 को खाया, दिस इज 2√3 × 10⁴, इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम, क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है।